उपचुनाव में बीजेपी की लगातार हार के बाद एनडीए के घटक दलों में बौखलाहट सी मच गई है। कुछ लोग भागते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं पूरे प्रकरण के बाद, जो एनडीए सरकार में अभी मौजूद हैं और पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह और आज हम बात करेंगे बिहार पे, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पे। जी हां, उपचुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू ने बीजेपी पे हमला बोला था। उन्होंने कहा था पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेके, जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से बिहार उपचुनाव की सीट पे बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन थे, या फिर यूं कहे कि एनडीए का जो प्रत्याशी था, वो हारा था। इस पे जेडीयू ने बीजेपी पे तंज किया था, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे प्रहार किया था। लेकिन आज जो है, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं। जेडीयू ने कहा कि हम 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी 15 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। रविवार को शाम को पटना में जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इसके तहत बिहार में 25 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और भाजपा 15 सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू की इस बैठक में पार्टी के महासचिव केसी त्यागी, पवन वर्मा और पार्टी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक के बाद जेडीयू नेता अजय अकेला ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा 15 सीटों पर। इस मामले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पे तंज किया है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी ने कहा कि अब ये सुशील मोदी बताएं कि क्या बिहार में नरेंद्र मोदी से बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि सुशील मोदी के कहने पे नीतीश कुमार ने भोज में मोदी के आगे से थाली छीन ली थी। अब बीजेपी के प्रवक्ता कब तक जेडीयू के हाथे अपने सबसे बड़े नेता की बेइज्जती कराते रहेंगे? यानी कि ऐसा ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा एनडीए पे तंज किया है, जेडीयू और बीजेपी पे तंज किया है और पूरा राजनीतिक माहौल जो है बिहार का वो गर्म हो गया है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी सारी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। नमस्कार।